वेलकम डियर ऑल, आज इस वीडियो में हम NIOS 12th स्टैंडर्ड जो TMA है, जिसे हम असाइनमेंट कहते हैं, सॉल्व TMA देखने वाले हैं। ये इंग्लिश का सॉल्व असाइनमेंट है। तो जिस तरह से यहाँ पर कोड लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है इंग्लिश और कोड है 302। और आपको जब आप फर्स्ट पेज पे लिख रहे हैं तो ऊपर आपको मेंशन करना होता है आपका नाम, स्टैंडर्ड एंड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोड एंड एनरोलमेंट नंबर। स्टार्ट करते हैं। सो ये लेटेस्ट वाला है जो अप्रैल मई में आप एग्जाम देने वाले हैं, ये उसका असाइनमेंट्स है। इंग्लिश का है, एक मिनट, इंग्लिश का असाइनमेंट्स है ये। तो इसके जो क्वेश्चंस है, जैसे यहाँ पर मेंशन किया गया है, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, द मार्क्स अलॉटेड टू ईच क्वेश्चन आर गिवन बिसाइड द क्वेश्चन। तो राइट योर नेम, एनरोलमेंट नंबर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, आपको ये लिखना है। देन यहाँ पे क्वेश्चन शुरू होता है। सो क्वेश्चन नंबर वन है, पर यहाँ पर लिखा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। तो ये दो क्वेश्चन है, लेकिन इनमें से आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है। और क्वेश्चन नंबर वन जो है वो आपको लेसन नंबर वन में से आया है, और क्वेश्चन नंबर टू जो है वो आपको, या क्वेश्चन नंबर बी जो है आपको लेसन नंबर फाइव में से आया है। तो ये लेसन आप स्टडी करके भी ये आंसर्स लिख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि आपको मैच करना है कि आपका जो असाइनमेंट आप लिख रहे हो ये होना चाहिए। तो ये जो है अप्रैल मई का है, जो अभी आपको सबमिशन करना है, तो ये लेटेस्ट वाला है। ओके, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बनियान ट्री का है, जो लेसन नंबर 22 से है। फिर गावस्कर का है, तो ये सारे चीज़ें आप देख सकते हैं। तिमक्का का है, ये सारे क्वेश्चंस अभी हम डायरेक्ट सॉल्व पे देखेंगे। ये क्वेश्चंस आपको आपके पास में होंगे ऑलरेडी। ओके नाउ वन सेकेंड। ओके मे भी आपको क्लियर दिख रहा होगा, और अगर नहीं भी दिख रहा है तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यहाँ पे लिखा है अर्लियर चाइल्ड ड्रीम टू फॉलो इन द फुटस्टेप ऑफ हिज हर। तो मैं ये रीड नहीं करूंगी, अगर आपको क्लियर है क्वेश्चन आपका पढ़ सकते हैं आपके जो है क्वेश्चन पेपर में से। मैं इसको और थोड़ा सा स्मॉल कर देती हूँ। तो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड यंग गावस्कर मेंटर एंड गाइड वाज हिज फादर। तो ये आपको ध्यान देके रीड करके आपको लिखना है, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द बनियान ट्री का है। स्लोली मैं इसको स्क्रॉल कर रही हूँ, आप स्टॉप करके लिख सकते हैं। सो ये आप देख सकते हैं, शायद फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो भी ये क्वेश्चन यहाँ पर आंसर्स क्लियर है। तो आपको स्टॉप करना है और लिखते जाना है। ये इंग्लिश का असाइनमेंट है TMA 12th स्टैंडर्ड का। सारे आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव,
में लेटर राइटिंग है, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं यहाँ पर रीड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये आपको जस्ट लिखना है, देख के लिखना है। सो आपके क्वेश्चन जो आप असाइनमेंट लिख रहे हो, क्वेश्चन सिमिलर आपको चेक करके सारे आंसर एज इट इज लिखना है। यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है जो 500 वर्ड्स का होना चाहिए। ये प्रोजेक्ट है, ओके। सो यहाँ पर आपको मैंने पूरा जो टीएमए है इंग्लिश का 12th स्टैंडर्ड का स्लोली मैंने यह स्क्रोल करके सॉल्व करके यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ मैं, तो आप इसे एज इट इज लिख सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, और मे भी हो सकता है कि हैंड राइटिंग इश्यू हो, लेकिन आपको ये गाइड करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए मैंने ये असाइनमेंट्स अपलोड कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरे वीडियो आपको हेल्पफुल लगते हैं, यूज़फुल लगते हैं और ईजी होते हैं आपको स्टडी करने के लिए, असाइनमेंट्स जो TMA, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को TMA का टेंशन होता है कैसे करना है क्या करना है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में TMA का जो है TMA दिखाया और उसके अकॉर्डिंग उसके आंसर्स दिखाए। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।